तो आ, अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड रेट्स डिटरमिन होते हैं और किस तरीके से uh, इसके एकब की तरफ हम जाते हैं लाइक अदर कमोडिटी मार्केट्स या जो भी आपके एक्मेंट्स होते हैं वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो रोल प्ले करती हैं वही यहाँ पे डिमांड सप्लाई होंगी लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि जो डिटामिनेशन uh, होगी प्राइस की वो करंट लेवल पे नहीं होगी यानी कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद होगी जिसको हम नॉर्मली यहाँ पे थ्री मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि के इस केस के अंदर आ, दो केसेस हो सकते हैं एक तो केस ये हो सकता है कि अगर फॉरवर्ड रेट कम है बिलो द स्पॉट रेट प्रेजेंट स्पॉट रेट इन फ्यूचर जिसे हम बात कर रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी जो है वो डिस्काउंट पे मिल रही है और इसको हम लोगों ने क्योंकि नॉर्मल डिस्काउंट को तो प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम में डिस्काउंट वर्ड बोला जाता है कि कोई अगर चीज़ सौ रुपये की है और उसकी जगह पे आपको सपोज नाइन्टी की मिल रही है तो आप उसको डिस्काउंट बोल देते हैं लेकिन अगर ये चीज़ आगे थ्री मंथ्स के बाद मिलनी है आपको तो उस केस के अंदर जो टर्म यूज़ होगी वो फॉरवर्ड डिस्काउंट होगी विद रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक करेंसी और दूसरी साइड पे जो इसका ऑपोजिट केस है वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो आपका फॉरवर्ड रेट है जो आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं वो हो सकता है अबव हो आपके जो स्पॉट रेट से उस केस के अंदर आप यहाँ पे इसको नाम देंगे फॉरवर्ड प्रीमियम का दैट मींस आपके पास जो इसकी वैल्यू है स्पॉट रेट से ज़्यादा है स्पॉट मींस करंट रेट और फ्यूचर रेट से जो भी आपज्यूम करते हैं सपोज़ हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर हम फॉर सिम्पलिस वो सिंपल सिटी अब आप ये बात करते हैं कि वन डॉलर इज़ इक्वल टू वन यूरो ये आपका स्पॉट रेट है फॉर सिम्पलिसिटी हम लोगों ने इस वजह से लिखा हुआ है वन यूनिट की फॉर्म में ताकि इसमें लर्निंग में आसानी हो जाती है थोड़ी सी अदरवाइज़ आप फॉर प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट स्पॉट रेट को ट्राई कर सकते हैं सपोज़ आप ये कहते हैं कि स्पॉट रेट इज़ टू डॉलर इज इक्वल टू वन यूरो और उसके ऊपर फिर आप सपोज़ इस केस के अंदर अगर आप फॉरवर्ड रेट ये ले रहे हैं थोड़ा सा कम करके डिस्काउंट की फॉर्म के अंदर तो आप उसको सपोज़ आपके होम असाइनमेंट के लिए ये दिया जा सकता है कि टू डॉलर इज़ टू वन यूरो और फॉरवर्ड रेट हम ये कहते हैं कि वन पॉइंट एट डॉलर इज टू वन यूरो तो ये एक, एक प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या आपके पास फॉरवर्ड डिस्काउंट बनेगा या फॉरवर्ड प्रीमियम बनेगा उस चीज़ को देखते हैं तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा केस है थ्री मंथ्स के लिए फॉरवर्ड रेट स्पोज डिटरमिन हुआ है ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन इज़ टू वन अब इस केस के अंदर आपके पास ये कहा जा सकता है यूरो जो है वो थ्री मंथ फॉरवर्ड डिस्काउंट में मिल रहा है अगर आप थ्री मंथ फॉरवर्ड डिस्काउंट देखें तो वन सेंट के ऊपर मिल रहा है और अगर इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लें तो सिंपली आप इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो वन इंटू फोर इज़ इक्वल टू फोर परसेंट या फोर सेंट जो हमने थ्रेटिकली uh, किया है इसको हम एक मैथमेटिकली uh, uh, भी कर सकते हैं एक फॉर्मूला है फॉरवर्ड डिस्काउंट्स uh, का या फॉरवर्ड प्रीमियम का एफ डी स्टैंड फ़ॉर फॉरवर्ड डिस्काउंट और एफ पी एज़ फॉरवर्ड प्रीमियम तो यहाँ पे अब आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं एफ आर स्टैंड फॉर फॉरवर्ड रेट एंड एस आर स्टैंड फॉर स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय फोर अब ये फोर बेसिकली ईयर का है ईयरली बेसिस पे अगर आपने फाइंड आउट करना है अगर आपने ये नॉर्मली होता भी वन ईयर का है लेकिन ये एग्रीमेंट्स नॉर्मली या इसकी जो डिटरमिनेशन है वो थ्री मंथ्स की बेस पे की जाती है तो ये फोर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए है थ्री मंथ्स को अब मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड टू गेट आंसर इन परसेंटेज फॉर्म यहाँ पे क्योंकि बड़ी सिंपल सा एक हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है तो सपोज़ ये किसी डेसिमल प्लेस में कोई नंबर आ जाता तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला बड़ा फ्रूटफिल आपके पास नज़र आता है तब आप क्या करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे पहला केस लिया है इस केस के अंदर हमने ये कहा है कि फॉरवर्ड रेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन डॉलर फॉर वन यूरो इसके ऊपर स्पॉट रेट हम लोगों ने यूरो uh, का जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो वन पॉइंट जीरो जीरो रखा हुआ है और डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इज़ इक्वल टू वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो या वन डॉलर जब आपने इन इसको सॉल्व किया है इस पर्टिकुलर टर्म को तो उसके बाद आपने इसको फोर से मल्टीप्लाई किया एंड देन हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया माइनस फोर परसेंट दैट मीन्स कि आपको ईयरली बेसिस के ऊपर फॉरवर्ड डिस्काउंट की फॉर्म में आपका फिक्स हो रहा है फॉरवर्ड रेट अब ये भी हो सकता है कि ये फॉरवर्ड प्रीमियम की फॉर्म में चले यानी कि ये रिक्वायरमेंट्स हों कि आपका जो फॉरवर्ड रेट सेटल होगा दैट वुड बी वन पॉइंट ज़ीरो वन डॉलर इज़ इक्ल टू वन यूरोट केस आपके पास फॉरवर्ड जो आपके पास रेट्स हैं उस केस के अंदर वन पॉइंट वन वन पॉइंट जीरो वन आपके पास आ गया फॉरवर्ड रेट वन यूरो का स्पॉट रेट वन यूरो का वन डॉलर है डिवाइडेड बाय वन डॉलर मल्टीप्लाई बाय फोर जो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे एंड देन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जो हम परसेंटेज़ की फॉर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस केस के अंदर जब आंसर पॉजिटिव की फॉर्म में आया तो आपने ये कह दिया कि आपके पास यहाँ पे आपको फॉरवर्ड प्रीमियम मिल रहा है और अगर ये आंसर नेगेटिव की फॉर्म में आता है तो दैट मीन्स आपको फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे तो ये डिटर्मिनेशन uh, हो सकती है दोनों फॉर्म्स के अंदर अगर आप फॉरवर्ड रेट की डिमांड सप्लाई को देखें तो इन रेट्स की डिटर्मिनेशन जो हम लोगों ने 0.99 या 0.1.01 देखा है ये भी बेस करेगा डिफरेंट uh, चीज़ों के ऊपर इवेंट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी की सिचुएशन हो सकती है मूवमेंट हो सकती है गुड्स की फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री तो ये डिफरेंट चीज़ें ये हो सकती हैं फर्दर इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं लाइक like हैजिंग की फॉर्म के अंदर कोई चीज़ इसको इफेक्ट कर सकती है तो वो हम कुछ नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर इसकी डिस्कशन करते हैं कि किस किस तरीके से ये लिंक्ड होते हैं उन चीज़ों के साथ रिस्क रिस्क फैक्टर्स भी आ सकते हैं तो वो भी इन रेट के डिटर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं तो इस केस के लिए यहाँ तक ही बस